हेलो गाइस, आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी सो so, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पेट्रोमाइज़ोन यानी लैम्प्रे के बारे में इसका ये पार्ट टू है और चलो शुरू करते सो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है लैम्परे का वो देखना है हमें एंड इसके बाद जो है एक्सक्रीशन एंड नर्वस सिस्टम भी हम देखेंगे सो सर्कुलेटरी सिस्टम देखो ये जो है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू एम्पी ऑक्सिस इसमें जो है इसका सिस्टम जो है वो एडवांस्ड है एंड कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट इसमें हार्ट है और ये फोर चैम्बर हार्ट है इसका एंड एट्रियल एंड अवेनस सिस्टम भी इसमें पाया जाता है सो so, हार्ट जो है इसका इसमें टोटल जो है फोर चैम्बर पाया जाता है ये एस शेप का होता है क्योंकि Uh, जगह की कमी होती है तो हार्ट जो है वो मुड़ के एस शेप ले लेता है इसमें और ये एनक्लोज रहता है पेरिकार्डियम एंड ये सिचुएटेड रहता है टू द लास्ट ऑफ द गिल पाउचेस के uh, जो है उसके पीछे जो है ये रहता है सो एस शेप का हो जाता है uh, और ये डेवलप होता है लावा में एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस पॉजिटिव ऑफ स्पेस ये जो है एस शेप का हो जाता है और इसमें जो है फोर चैम्बर्स होते हैं एक साइनस वेनोसस होता है वन इज साइनस वेनोसस एंड देन उसके बाद uh, जो है एक औरल होता है एक वेंट्रिकल होता है और एक जो है कॉर्नस एट्रियोसस होता है ओके okay. ऐसा so, जो है इसका हार्ट होता है साइनस वेनोसिस एंड देन वेंट्रिकल एंड एट्रियम एंड फिर जो ब्लड है वो क्या होता है कि जो वेरियस पार्ट्स बॉडी के वहाँ से आता है साइनस वेनोसिस में उसमें आएगा ये स्मॉल चैम्बर होता है और इसमें आने के बाद जो है वो जाएगा किसमें थिन वॉल औरल में और उसके बाद जो है वापस जो है वो थिक वॉल वेंट्रिकल में जो है यहाँ से यू होता हुआ चला जाएगा सो so, इस तरह से जो है ब्लड जाता है इसका और वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पम्प करता है इन वेंट्रल अरोटा जो कि जिसमें सेवन पेयर ऑफ एफ्रेंड ब्रेंगिल आर्टरीज जो है वो जाती है टू द गिल्स क्योंकि सेवन पेयर ऑफ गिल्स है यहाँ पे सो so, ब्लड जो है उससे सी टू जो है वो निकल जाता है और फ्रेश जो है सप्लाई हो जाती है ओ की यहाँ पर सो गिल से जो है ब्लड कलेक्ट होगा थ्रू सेवन पेयर ऑफ ईफ्रेंट ब्रैंकिल आर्ट्रीज जो कि मीडियन डॉर्सल अरोटा में और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो ब्लड देखो ब्लड में जो है ब्लड कॉपरसल्स होती है रेड होता है ये बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन रिथ्रोसाइट्स जैसे कि हमारे हैं पर इनके जो रिथ्रोसाइट है वो न्यूक्टेड होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी जो है वो पाए जाते हैं सो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन एंड देन वाइट ब्लड वाइट ब्लड सेल्स जो है ये मिलेंगे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं दे आर वेरी मच सिमिलर टू लिम्फोसाइट्स एंड पॉलीमॉस ऑफ हाई वर्टिब्रेट्स देन देयर इज आर्ट्रियल सिस्टम तो यहाँ पर क्या है कि वेंट्रल अरोटा है जिसमें स्लाइटली स्लाइटली डाइलेटेड बेस एंड बल्बस आर्ट्रियो अराइसिस फ्राम द वेंट्रिकल द लास्ट पेयर ऑफ गिल पाउच सो यहाँ पर जो है टोटल सेवन पेयर ऑफ एफरेंट ब्रेंगेल आर्ट्री जो है वो निकलती हैं एंड देन उसके बाद uh, जो क्या होता है कि ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है वो किस में फॉर्म होता है ब्लड फॉर्म्स इन द स्पाइरल वॉल में उसके अलावा किडनी में और स्पाइनल कॉर्ड में जो है यहाँ पे ब्लड फॉर्म होता है और जो मीडियम डॉर्सल अरूटा है उससे सेगमेंटल आर्टरीज जो हैं वो अराइज होती हैं टू मायोटोम्स एंड सो मोस्ट जो आर्टरीज हैं एक्सेप्ट ईफ्रेंट ब्रैंकल एंड रीनल आर्टरीज सो so, uh, so, दे आर प्रोवाइडेड विद्स एट द पॉइंट ऑफ देर ओरिजन एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज सुनाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है लैम्परे का देखो किडनी जो है लैम्परे की वो यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है एंड दे आर मीजो इन ओरिजन सो so, ये जो है लॉन्ग एंड शार्प शेप होती है और दोनों जो मिड डॉ लाइन है उसके बोथ आइए साइड में जो है रहती है ठीक है सो ब्लड जो है जैसे सर्कुलेट होता है थ्रू द ग्लोमेर इन साइड वोमेंस कैप्सूल सो एड्रिल्स में जो है वेस्टीज ऑफ प्रो नफ्रिक डावाजेंट इंडी टू द फंक्शनल पार्ट और द मीजो नेफ्रिक किडनी सो वोमन कैप्सूल या फिर जो कैपले नेटवर्क है वहाँ से ब्लड जो है फ्लो होता है तो नाइट्रोजेस वेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है बाय द यूरिनी फेरेस्टिब्यूल्स एंड पोर्ड इन टू द मीजोन एफ्रिक डट और यूरेटर सो यूरेटर से जो है ये जब ट्यूबुलर यूरेटर जो है वो आगे तक जो है हर एक किडनी के से रन करता है और वहाँ से ये जो है यूरोजोनाइटल साइनसेस से जो है यूरन को एक्सक्रीट कर देता है एमटाइज एक्सटीरियर थ्रू द यूरोजोनाइटल पैपीला सो यूरोजोनाइटल पैपिले के थ्रू जो यहाँ पे बाहर की तरफ जो है एक्सक्रीशन हो जाता है नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम सिस्टम है ये बहुत इसका जो है वेल well डेवलप्ड होता है सिमिलर टू दैट फाउंड वर्टिब्रेट्स और इसमें क्या एक है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि एक ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से जो है एनक्लोज रहता है ठीक है जिसे हम मेनिक्स कहते हैं सो so, नर्व्स जो है वो दे आर नॉन माइलिनेटेड एंड ब्रेन जो है इट इज़ डिवाइडेड इन टू थ्री डिस्टिंग पार्ट्स फोर ब्रेन जिसे हम प्रॉस एनसेफलॉन् कहते हैं देन मिड ब्रेन एंड मीज इन्सेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन दैट इज रॉन्ग एनसेफलॉन सो तीन पार्ट्स में इसकी ब्रेन जो है वो डिवाइडेड रहती है एंड uh, जो प्रॉस एनसेफलॉन है उसमें क्या होता है कि uh, इसमें टील uh, इन्साफलॉन का इंटीरियर पार्ट होता है एंड दिस मेडअप ऑफ टू सेब्रल हेमिसफेयर इसमें प्रजेंट होते हैं ठीक है सो so, uh, ये जो सेरिब्रल हेमिसफेयर है ये लार्ज एंड लोब्ड होते हैं और इनमें एक उल्फैक्ट्री बल्ब प्रेजेंट रहता है जो कि ऑर्गन ऑफ स्मेल है एंड दैट इज़ अटैच टू द सेरिब्रल हेमिसफेयर एंटीरियर लेटरली और जो डाइन सेप्लॉन है वो एक uh, उसमें एक मेमरिनस रूफ होती है सो प्रोजेक्टिंग आउट्सवर्ड एज सेक्कस डॉसेलिस सो so, ब्रेन में जो है यहाँ पे क्या है कि इनके चार वेंट्रिकल्स हैं जैसे कि बाकी के वर्टिब्रेट्स में होते हैं टेन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जो कि फ्लैट होती है अनरिबन लाइक स्ट्रक्चर है इसका और स्पाइनल कॉर्ड जो है लैम्प्रे की वो उसमें कोई ब्लड वेसल प्रजेंट नहीं है सो इट्स वेरी पिक्यूलर इन नेचर एंड इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है और जो डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट जो है स्पाइनल नर्व की वो सेपरेट रहती हैं ब्रैंक जैसे कि ब्रैंकोस्ट्रोमा है सिमिलरली इसमें भी वैसा ही रहता है और सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें पोअर् डिफाइंड होता है सारे जो नर्व फाइबर्स हैं लैम्परे की वो नॉन माइलिनेटेड है क्योंकि uh, जो रेट ऑफ कंडक्शन है नर्व इम्पल्स का वो बहुत स्लो है इसलिए uh, ये नॉन माइलिनेटेड होता है then इसके रिसेप्टर एंड सेंसरी ऑर्गन जो है देखो एक तो ऑल फैक्ट्री सैक होता जो है जो कि कीमो रिसेप्टर है ठीक है याद रखना है देन आईज जो है वो फोटो रिसेप्टर होती हैं पीनियल आई जो है दैट इज़ ऑल्सो फोटो रिसेप्टर एंड उसके बाद जो ईयर्स हैं वो इक्विलीवरम का काम करते हैं हमारे जैसे ही और फोनो रिसेप्टर यानी साउंड जो है वो रिस, रिसीव करते हैं देन लेटल लाइन सेंस ऑर्गन जो है दे आर रियो रिसप्टर एंड फोटो रिसेप्टर्स एंड गस्टेटो रिसेप्टर्स कंस्टिट्यूट रिसेप्टर ऑर्गन्स सो इसमें जो ऑलफैक्ट्री सैक है जो कि ऑर्गन ऑफ स्मेल है इट रिसीव्स टू सेपरेट ऑल्फैक्ट्री नर्व्स जो कि बायोलेटरल इंडिकेटिंग इट्स बायोलेट्रल ओरिजिन सो ओल्फैक्ट्री जो सैक है इसका उससे क्या होता है कि ये स्मेल जो है उसको डिटेक्ट करता है ओके देन यहाँ पे एक पीनियल आई है स्पीनियल आई ये फोटो uh, रिसेप्टर है एंड uh, ये जो है इसमें क्लियर लेंस होता है एंड पिगमेंटेड रेटिना प्रेजेंट होता है जो कि इसको लाइट एंड डार्क में जो है फर्क करना जो है इसको आता है इसकी वजह से सो so, हर एक इंटरनल ईयर जो है उसमें दो वर्टिकल सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जिन्हें हम विद एम्प्यूला और ये जो है इसके इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड सो जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसके अलावा फेरिंग्स में जो है इसके टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है और जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स है बॉडी में ये जो है इसको वाटर मूवमेंट्स डिटेक्ट करने में मदद करते हैं सो दीज लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स ये वाटर मूवमेंट जो है उसको डिटेक्ट करने में मदद करते हैं और जो सॉल्ट वाटर लैम्परेज हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं टू डिटेक्ट द प्रे ओके दैन रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है लैम्परे का सो तो यहाँ पे दोनों जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं डाई ईशियस है ये एंड बहुत स्पोमेटोसाइट्स एंड ऊ साइट्स में बी फाउंड इन अ सिंगल गोनाइड इन अंग लैम्प्रे ठीक है सो so, अमोकोटिसवा होता है इसका विच इज हमोफोडाइटिक इन नेचर एंड इसमें दोनों जो है ऊ साइड एंड स्पोमेटोसाइट्स प्रेजेंट रहता है सो सिंगल गोनाइट टेस्ट इज मेड अप ऑफ स्पर्म फॉलिकल एंड ओवरी एक्सटेंड टू द लेंथ ऑफ प्लूरो पेरीटोरियल कैविटी एंड रिमेन्सपेंडेड फ्राम द मिड डॉसल बॉडी वॉल बाई ए मैम द मैम्रियम और मीजोवेडियम इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली सो इसमें जो मेचोर एग या फिर स्प है वो दस्केप फ्राम द ग्स इन टू सिलोम सिलोम से होते हुए ये जो है पास होते टू द जेनाइटल पोर्स जो यूरोनाइटल साइनस है वहाँ तक एंड फिर उसके बाद जो है ये आ, उसके थ्रू जो है यूरोजेनाइटल ओपनिंग के थ्रू जो है वाटर में रिली, रिलीज़ हो जाते हैं तो स्प्रिंग या फिर अर्ली समर में क्या होता है कि लैम्प्रे जो है वो सेक्सुअली मेचोर हो जाते हैं और अपने जो नेबरिंग फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स या रिवर्स हैं वहाँ पर ये माइग्रेट करते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पज सो so, इनमें जो है एक बकल फनल होता है जो मेल जो है वो क्या करते हैं उसकी मदद से जो पेबल्स वगैरह है जो नदी के पैदे में और सैंड जो है उनको हटा के और एक नेस्ट फॉर्म करते हैं सो so एक शैलो डिप्रेशन जैसा बनाते हैं या फिर पिट बनाते हैं वहाँ पे और फीमेल जो है वहाँ पे किसी स्टोन से जो है अटैच हो जाती है नेस्ट में और उसके बाद जो है ये अपने जो है एग इन स्प को वहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे एक्सटर्नली होता है इन वाटर सो so, एक लार्ज फीमेल सी लैम्प्रे जो है अबाउट टू लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड तक जो है एग्स जो है वो दे सकती है सो so, डेवलपमेंट जो है एग का कैसा होता है कि इनके जो एग है ये सब कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है तो समझ लीजिए तो ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे तो पढ़ लीजिएगा सो डेवलपमेंट जो है एग का कैसे होता है कि ये एग जो है इनके टीलो है Uh, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें गुड क्वांटिटी में जो है योग है और क्लीवेज जो है इनका होलोब्लास्टिक होता है अनइक्वल होता है ठीक है सो so, गैस्टोलेशन जो है वो इन्वेजिनेशन से होता है और ब्लास्टो जो है वो फाइनली जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो होता है लेम्बरेज में इन डेवलप इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड कोड या फिर कील के फॉर्म में जो है डेवलप होता है और बाद में जो है होल हो जाता है टू तो फॉर्म द ल्यूमन ऑफ नर्व कॉर्ड एंड सो ये जो टाइप ऑफ फॉर्मेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इसको हम थिक एंड कील मैथड कहते हैं अब इसमें जो है एक लारवल स्टेज भी पाई जाती है जिसे हम अमोकोटिस लावा कहते हैं सो तो एग जो है वो हैच हो जाता है विद इन थ्री वीक्स तीन वीक के अंदर वो हैच हो जाएगा इंटू माइन्यूट ट्रांसपेरेंट लावा जिसे हम अमोकोटिस लावा कहते हैं और ये जो है इट इज़ डिफरेंट फ्राम ऑब्वियसली एट्स पेरेंट्स एंड सो इसकी जो लेंथ है पहले पहले वो रहती है सेवन मिलीमीटर mm तक का ये रहता है और इस स्टेज में जो है ये अपने नेस्ट में ही रहता है फिर तो उसके बाद ये फिफ्टीन मिलीमीटर mm तक का हो जाता है तब तो ये अपना नेस्ट जो है वो छोड़ देता है और जो मड है या फिर सेंड है उसमें ये जो है अपने आप को बरो कर लेता है फिर ये जो पीरियड है इसमें ये थ्री टू सेवन इयर्स तक रहता है जो लार्वल पीरियड है इसका तीन से सात साल तक जो है रह सकता है तो बॉडी इसकी स्मॉल होती है एंड इट कैन बी टेन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट एंड विद द मीडियम एंड काइटीन्यूस फिन होता है इनमें सो सक्टोरल बकल फनल के जगह इनमें जो है एक हुड शेप अपर लिप जो है वो पाया जाता है टीथ इनमें एबसेंट होते हैं वेलम uh, जो है इनमें प्रेजेंट होता है जो कि एक पेयर ऑफ कप शेप स्ट्रक्चर है अटैच टू द इंटीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स। और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो एंट्रेंस है वो गार्डेड uh, रहती है बाय ब्रांच ऑफ बकल टेंटिकल्स एंड इनमें आईज जो है वो रूडिमेंट्री रहती हैं जो कि स्किन और मसल्स के पीछे जो है छुपी हुई रहती है अनपेड पीनियल आई है यहाँ पे वेल well डेवलप्ड रहती है इनकी भी देन फोटो रिसेप्टर जो है वो अबंडेंट होते हैं इन टेल रीजन और एंडोस्टाइल जो है वो ओपन होती है इन टू फेरिंग्स बाई स्लेटलाइक अपर्चर और ये कनेक्ट करती है विद हाइपर फेर फेरेंजियल ग्रूव बाई पेयर ऑफ पेरी फेरेंजियल सो so, एंडोस्टाइल क्या करती है वो सिक्रीट करती है म्यूकस जिससे कि फूड पार्टिकल जो है उसमें आगे चिपक जाते हैं और सीलिया जो है फेरिंग्स की वो फूड को जो है अंदर लेके आती है जो म्यूकस है उसको अंदर लेके आती है ईसोफेजस में और फिर ये इंटोस्टाइन में जो है ईसोफेज सीलिया जो है वहाँ तक लेके जाता है सो so, लार्वा जो है वो बड में रहता है और एक यू शेप या फिर वी शेप की जो है टनल जैसी बनाता है उसके अंदर रहता है और बाहर सिर्फ जो है फूड की सर्च में आता है इन नाइट टाइम देन मेटामोरफोसिस इन लैंप्रे सो एक प्रो लॉन्ग लाइफ होती है इनकी लार्वल स्टेज में तीन से सात साल तक जो ये है रहते हैं उसके बाद जो ये सेवरल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं सो मेटामफोसिस होके ये जो है लार्वल से एडल्ट uh, में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं सो ओरल हुड जो है इनका वो चेंज हो जाता है सक्टोर बकल फनल में और एंडोस्टाइल जो है वो थायरय ग्लैंड में चेंज हो जाती है और वेलम जो है इनका वो रिड्यूस हो जाता है और रेस्पायरेटरी जो फेरिंग्स है उन उसकी जो ओपनिंग है उसको गार्ड करने का काम करता है बाद में ईसो जो है वो रेस्पायरेटरी से सेपरेट हो जाता है और इसमें जो है गॉल ब्लडर और बाइल डक जो है वो डिसअपियर हो जाती है ठीक है गिल पाउचेस जो है वो गिल जो है वो डेवलप हो जाते हैं इनटू गिल पाउचेस नेफ्रोज़ जो है वो नेफ्रोज़ से रिप्लेस हो जाती है जो किडनी है और पेयर्ड आई जो है वो अनकवर्ड हो जाती है और फंक्शनल हो जाती है क्योंकि जो लार्वल स्टेज है उनमें वो रूडिमेंट्री होती है फंक्शनल नहीं होती है, बरीड रहती है अंडर द स्किल सो इसमें जो है ये अनकवर्ड होके और फंक्शनल हो जाती हैं इसके अलावा इनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फ्लैट हो जाती है और जो स्केलेटन है ऑफ अपर लिप एंड टंग वो डेवलप हो जाता है एंड स्किन कलर जो है चेंज हो जाता है मडी से ब्राउन टू मेटालिक ऑन डोरसल सरफेस अब इसकी जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखो इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट है नहीं इकोनॉमिकली सो uh, uh, so ये क्या करता है कि डिस्ट्रॉय कर देता है जो फिश है क्योंकि ये उन पर फीड करता है उनके ब्लड पे सो so, ये उस फिश को भी जो है एडिबल नहीं रहने देता और उसको भी जो है उसके लिए ये नुकसानदायक होता है क्योंकि ब्लड सक करेगा तो ऑब्वियसली उसको घाव हो जाएंगे तो तिकन डाई एंड सो मतलब कुछ uh, जो फूड मार्केट्स हैं यूरोप एंड अमेरिका वहाँ पे ये कुछ एक्सटिंग तक जो है खाया भी जाता है बट इतना ये जो है डिलीशियस uh, नहीं होता तो इट्स नॉट ऑफ दैट मच इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपना ख्याल रखिए ऑल द बेस्ट थैंक यू